देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे बनाने के लिए सबसे पहले गत्ता लेना होगा। मैं गत्ता बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाई हूँ, कबाड़े में से नीचे हमारे यहाँ खूब सारा गत्ता रखा, उसमें से निकाल के लाई हूँ। तो इस गत्ते का मैं मेजरमेंट ले रही हूँ कि मैं इसको साइज ले रही हूँ, तो मैं इसको कटिंग करूंगी, फिर सेकेंड वाला इससे 2 इंच ज्यादा, फिर थर्ड वाला उससे 2 इंच ज्यादा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग करके। ये देखिए, हमने ये तीनों अलग अलग साइजेस में काट लिए हैं। अब हम इनके चारों साइड एक एक फोल्ड करेंगे, जो कि बाद में हम इसमें ऊन या धागा जो भी है हम डाल सकते हैं। तो मैं कैंची के सपोर्ट से इसमें छेद करती हूँ। इस तरीके से आप चारों साइड छेद कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, हमने इन चारों में चारों साइड काट देख बाकी वाला दोबारा। देखिए, मैंने इनके चारों साइड छेद कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम वॉल पुट्टी से लेयर करेंगे। मैं दिखाती हूँ, मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखिए, लेयर करने के बाद आप इन होल्स पे दोबारा से कैंची से, चाकू से, किसी भी चीज से छेद कर लीजिए, ताकि ये बिल्कुल विजिबल हो जाए। अब इसके ऊपर हम पेंट करेंगे। मैं आपको पेंट करके दिखाती हूँ। मैं ब्राउन पेंट बनाऊंगी, वुडन वाला, वो इस पे करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको कलर कर लिया है और मैंने इन पे सिंगल कोट ही किया है, डबल कोट नहीं किया, क्योंकि मुझे हल्का रफ चाहिए। इसको देखिए, हम ये ऊन की लच्छियां बनाई है हमने, 12-12 के 4 लच्छी बनाई है। हम इनकी मदद से इसको बांधेंगे। तो हम सबसे पहले नीचे सबसे बड़े को रखेंगे, उसके बाद इस पे नॉट बांधेंगे नीचे और ऊपर दोनों साइड, फिर उससे मीडियम वाला और फिर सबसे छोटा वाला। मैं आपको बांध के दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। देखिए, मेरा ये शेल्फ कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। मेरी डार्क वॉल है, इसलिए मैंने इसको व्हाइट कलर किया है, ताकि इसके ऊपर मैं जो भी डेकोरेशन का पीस रखूंगी वो कलरफुल होगा, तो उसका कलर और ज्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और इस पर कोई खर्चा नहीं आया, कुछ भी खर्चा नहीं आया। टोटल मिला के शायद 30 रुपये से ऊपर का भी नहीं पड़ा होगा। तो आप भी ट्राई कीजिए इसे बनाना, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।